आज अपन बनने वाले इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी वो जे डबल ई के और मैथ्स का सबसे बेसिक चैप्टर है. देखो इनमें सबसे पहले आता है इंटरवल्स. इंटरवल्स इंटरवल्स मतलब क्या? द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर. द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर. रियल नंबर मतलब इट्स कॉल्ड इंटरवल. मतलब देखो ये रियल नंबर की एक लाइन है. इसमें देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं. फिर देखो इसमें अगर दो नंबर मतलब अपन ने लिया एक नंबर ए और दूसरा नंबर बी. तो देखो इनमें का जो सेट रहता है उसको बोलते हैं अपन इंटरवल. इंटरवल के तीन टाइप होते हैं. पहला है ओपन इंटरवल. कौन सा है? ओपन इंटरवल. देखो ओपन इंटरवल क्या होता है? इंटरवल देखो एक्स बिलोंग्स इन ए कॉमा बी. मतलब एक्स ए और बी के बीच में से जा रहा है. देखो ओपन इंटरवल मतलब देखो एक्स देखो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी. ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी मतलब नॉट इंक्लूडिंग ए और बी. मतलब देखो ए और बी नहीं है लेकिन उसमें के बीच में के सब नंबर है. देखो ये इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट लाइन और ये ए और ये बी. मतलब ए और बीच में के सारे नंबर है. मतलब देखो अपन ने अगर इधर नंबर लाइन पे लिया वन और इधर लिया थ्री. मतलब वन और थ्री नहीं है लेकिन वन और थ्री के बीच में मतलब इधर टू है लेकिन वन और थ्री नहीं. इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल. इसको कैसे अपन डिनोट करते हैं? देखो एक्स बिलोंग्स इन ये ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी. इसको बोलते ओपन इंटरवल. उसके बाद दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल. देखो क्लोज्ड इंटरवल कैसा होता है? क्लोज्ड इंटरवल में एक्स बिलोंग्स इन ए कॉमा बी. मतलब एक्स ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी. मतलब इंक्लूडिंग ए और बी. मतलब देखो ये नंबर लाइन पे लिया ए. ये ऐसे इसको ऐसा अपन ब्लैंक रखते हैं लेकिन इसको अपन पूरा डार्क भर दे सर्कल को ए और बी. देखो मतलब देखो अगर इधर लिया अपन ने वन और इधर लिया थ्री. मतलब वन और थ्री को मिला के बीच में के सारे नंबर. इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल. इसको अपन क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी ये होता है क्लोज इंटरवल. तीसरा है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल. देखो तीसरा है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल. तीसरा क्या है? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल. देखो एक्स बिलोंग्स इन ए क्लोज ब्रैकेट बी और ओपन ब्रैकेट. मतलब क्या है इसका? मतलब है एक्स देखो ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स. एक्स इज लेस देन बी. मतलब ए है लेकिन बी नहीं है. मतलब क्या? इंक्लूडिंग ए बट नॉट बी. मतलब क्या? देखो ए मतलब टू और बी मतलब थ्री. मतलब टू है लेकिन थ्री नहीं. इसमें के सारे रियल नंबर लेकिन थ्री नहीं. मतलब 2.99 तक सब नंबर लेकिन थ्री नहीं है. इसको बोलते हैं सेमी ओपन. अब देखो सेमी क्लोज्ड. देखो इस एक्स बिलोंग्स इन ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट. मतलब देखो ए इज लेस देन एक्स. एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी. एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी मतलब इंक्लूडिंग बी बट नॉट ए. इसको बोलते सेमी ओपन इंटरवल. देखो इसको अपन क्या बोलेंगे? ए मतलब टू और बी मतलब थ्री. मतलब टू नहीं है लेकिन थ्री है. मतलब 1.99 तक है. ए सॉरी 2.1 से थ्री तक.
मतलब अपन इसको कैसे लिखते, ओपन ब्रैकेट इधर और क्लोज ब्रैकेट इधर, मतलब अगर ये इक्वल टू का अगर साइन नहीं रहा तो उधर आएगा ओपन, और इक्वल टू का साइन रहा तो उधर आएगा क्लोज ब्रैकेट। देखो अब उसके बाद देखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर को अपन कैसे एक्सप्रेस करते, द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, एक्सप्रेस्ड बाय माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि अपने को माइनस इन्फिनिटी क्या है वो भी नहीं मालूम, और इन्फिनिटी क्यों, मतलब इसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं है, इसलिए अपन क्या करते हैं इसको ओपन ब्रैकेट देते हैं, बराबर है। उसके बाद अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, देखेंगे क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। देखो फिर पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब ए इज लेस देन बी तो है, और ए इक्वल टू बी भी है, मतलब लेस देन और इक्वल टू है ना, मतलब ए इक्वल टू बी और उस ए बी से कम ए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, मतलब ए लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, देन ए लेस देन सी, क्योंकि a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो a लेस देन c होगा ही ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो a लेस देन b, इफ a लेस देन b देन माइनस, अगर इसको दोनों साइड से माइनस से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये इसका साइन इनवर्स हो जाता है, माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी। देखो अगर इधर टू ए, टू इज लेस देन थ्री ए, और इधर माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस थ्री होगा ना, इसलिए आईसी है। उसके बाद बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन। इसके बाद देखो ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी एंड सी इज लेस देन डी, देन ए प्लस सी is less than b plus d and a minus d is less than b minus c। देखो a is less than b and c is less than d, then a plus c, मतलब a plus c is less than b plus d, क्योंकि ये दोनों less than है, और इसकी a plus c के addition की और b plus d की, तो यही b plus d ही बड़ा आएगा। देखो इधर अपन ने लिया वन, इधर लिया टू, इधर लिया टू, इधर लिया थ्री और इधर लिया फोर, तो ए प्लस सी, मतलब वन प्लस थ्री कितना फोर, इधर फोर आएगा और इधर कितना आएगा टू प्लस फोर सिक्स, बराबर है। फिर उसके बाद ए माइनस डी, ए माइनस डी मतलब वन माइनस फोर कितना आएगा माइनस थ्री, और बी माइनस सी, बी माइनस सी टू माइनस थ्री कितना माइनस वन, मतलब कौन बड़ा है माइनस थ्री या माइनस वन, माइनस वन। फिर उसके बाद देखेंगे, देखो अगर a लेस देन b है, अगर इसका रेसिप्रोकल किया, मतलब 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन 1 अपॉन b, क्योंकि a अगर अपन ने 1 लिया और इधर 2 लिया तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 अपॉन 2 क्या आएगा 0.5, मतलब ये रिवर्स हो जाता है साइन इसका। ये सब हो गए प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देखेंगे अपन इसके कुछ प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम देखेंगे। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन, फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो पहला क्या है, एक्स इज लेस देन टू, पहला क्या है एक्स इज लेस देन टू, मतलब क्या आएगा, देखो ये नंबर लाइन है, देखो x इज लेस देन टू मतलब क्या आएगा, x कहाँ से बिलोंग करेगा, देखो ये यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, इधर क्या है इधर एक जीरो है, जीरो के इधर टू और इधर माइनस आएगा, फिर x इज लेस देन टू बोला है, मतलब क्या आएगा इसका, देखो x बिलोंग्स इन
माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो और यूनियन जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू। देखो मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, मतलब देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक और जीरो से टू तक, जीरो से टू तक इतना आएगा बराबर है। मतलब डायरेक्ट अपन क्या लिखते, माइनस माइनस इन्फिनिटी कॉमा टू, फिर इसका एक्स स्क्वायर बिलोंग्स क्या आएगा, देखो मतलब एक्स इज लेस देन टू, मतलब क्या माइनस इन्फिनिटी से टू तक, टू तक क्योंकि लेस देन है ना, फिर टू से छोटे कहा तक आएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, इसलिए माइनस इन्फिनिटी कॉमा टू डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। और एक स्क्वायर अगर किया इसका तो क्या आएगा, इन्फिनिटी कॉमा फोर, इन्फिनिटी कॉमा फोर, और जो छोटा रहता है वो पहले लिखना पड़ता है, मतलब एक स्क्वायर बिलोंग्स इन फोर कॉमा इन्फिनिटी, एक स्क्वायर बिलोंग्स इन फोर कॉमा इन्फिनिटी। उसके बाद दूसरा देखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, देखो ये देखो इधर जीरो और इधर माइनस वन बराबर है, इधर जीरो और इधर माइनस वन, फिर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब ग्रेटर देन माइनस वन कहां तक आ सकता है, माइनस वन से इन्फिनिटी तक, क्या कहां तक आ सकता है, एक्स बिलोंग्स इन माइनस वन कॉमा इन्फिनिटी, माइनस वन से इधर बड़ा कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, फिर क्या आएगा, पहले अपन माइनस वन जीरो, जीरो इन्फिनिटी ऐसा भी लिख सकते हैं यूनियन लेके, लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स इन, फिर क्या आएगा इसका अगर स्क्वायर किया तो वन कॉमा इन्फिनिटी। तीसरा देखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, मतलब कहां तक आएगा, देखो ये जीरो और ये टू, क्या बोला है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब टू से इन्फिनिटी तक, इधर इक्वल टू का साइन है, मतलब क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स इन इक्वल टू, मतलब टू है इसमें, टू और इन्फिनिटी, फिर उसके बाद एक्स का आएंगे, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, फोर कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर किया तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू डेफिनेट नहीं, इसलिए इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आता है, ये समझ में आ गया। और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या रहता है, जीरो, क्योंकि जीरो पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, इसलिए अपन डायरेक्ट जीरो कंसिडर करते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वन अपॉन एक्स फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू दिए वाले उसमें से अपने को वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, मतलब देखो ये अपन नंबर लाइन निकालेंगे जीरो और इधर आएगा थ्री, फिर एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, मतलब कहां से आएंगे, जीरो से थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, फिर क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स इन थ्री कॉमा इन्फिनिटी, इधर इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है क्या वो देखने का, इक्वल टू का रहा तो इधर क्लोज आएगा, अगर नहीं रहा तो ओपन आएगा, देखो फिर मैंने क्या बोला था, इनवर्स देखो, अगर इसका वन अपॉन एक्स लिया कैसा आएगा, ये थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी ऐसा आएगा, अगर इसका वन अपॉन एक्स लिया तो क्या आएगा, इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब इधर आएगा ऐसा, वन अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन वन अपॉन इन्फिनिटी, मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी लेस देन हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, वन अपॉन थ्री वन अपॉन इन्फिनिटी, सॉरी वन अपॉन इन्फिनिटी कॉमा वन अपॉन थ्री, क्योंकि पहले छोटे लिखते हैं फिर उसके बाद बड़ा। फिर अगला देखेंगे, एक्स इज लेस देन माइनस टू, एक्स इज लेस देन माइनस टू, देखो एक्स इज लेस देन माइनस टू मतलब क्या आएगा, ये इधर टू है, ये इधर जीरो है और इधर माइनस टू है, एक्स इज लेस देन माइनस टू मतलब माइनस टू से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, एक्स बिलोंग्स इन माइनस टू कॉमा माइनस इन्फिनिटी, देखो फिर कैसा आएगा, माइनस टू इज लेस देन सॉरी माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस टू, फिर देखो इसका वन अपॉन एक्स कैसा आएगा, माइनस इन्फिनिटी, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा और इधर माइनस टू, फिर क्या आएगा, वन अपॉन एक्स बिलोंग्स इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस टू, क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस टू। उसके बाद तीसरा देखो, एक्स बिलोंग्स इन माइनस वन कॉमा थ्री और ये डैश करली ब्रैकेट जीरो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो अपन उन्होंने क्या बोला है, नंबर लाइन पे क्या क्या है, ये इधर जीरो है, इधर क्या है माइनस वन है और इधर क्या है थ्री है, फिर उन्होंने क्या बोला है माइनस वन कॉमा थ्री, मतलब माइनस वन और थ्री के बीच में के सब, लेकिन जीरो नहीं, डैश लाइन और ये करली ब्रैकेट में अगर कौन सा भी नंबर दिया
वो नंबर को छोड़ के बाकी सब, मतलब देखो माइनस वन से जीरो के थोड़ा पहले और उसके बाद जीरो के थोड़ा, मतलब जीरो नहीं आएंगे, जीरो के बाद में के थ्री तक, ऐसा है उन्होंने बोला वाला है। फिर देखो ये कैसा आएगा, एक्स बिलोंग्स इन माइनस वन कॉमा जीरो, मतलब माइनस वन कॉमा जीरो ओपन ब्रैकेट यूनियन जीरो कॉमा थ्री, मतलब जीरो नहीं आएंगे इसमें। फिर क्या आएगा इसमें, देखो वन अपॉन एक्स क्या आएगा इसका, वन अपॉन एक्स का ऐसा आएगा, वन अपॉन एक्स इज लेस देन, सॉरी माइनस वन इज लेस देन वन अपॉन एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। देखो ये पहले का और ये दूसरे का ऐसा निकालने का, देखो फिर पहले कैसा आएगा वन अपॉन एक्स, देखो माइनस वन सॉरी जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन, जीरो इज लेस देन एक्स सॉरी माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन जीरो। फिर इसका अगर वन अपॉन एक्स निकाला तो कैसा आएगा, वन अपॉन एक्स और वन अपॉन जीरो क्या रहता है इन्फिनिटी, मतलब क्या आएगा ऐसा वन अपॉन जीरो क्या आएगा इन्फिनिटी, और ये ऐसा ये इधर वन अपॉन माइनस वन क्या आएगा माइनस वन। फिर देखो वन अपॉन जीरो क्या आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज लेस देन वन अपॉन एक्स इज लेस देन माइनस वन, ये आएगा ये पहले ब्रैकेट का। अब दूसरे ब्रैकेट का निकालेंगे वैसे ही कैसा, थ्री इज लेस देन एक्स, पहला ब्रैकेट यहाँ पे देखा अपन ने इधर सॉल्व किया, उसके बाद दूसरा देखने का, जीरो इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन थ्री, मतलब वन इसका वन अपॉन एक्स निकालेंगे कैसे आएगा, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा वन अपॉन जीरो वन अपॉन थ्री, वन अपॉन जीरो क्या रहता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज लेस देन वन अपॉन एक्स इज लेस देन वन अपॉन थ्री, समझे ये आया इसका। फिर उसके बाद अपन देखेंगे और कुछ देखेंगे एग्जाम्पल, देखो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक्सप्रेशन दिया वाला है, इसकी वैल्यूज निकालने की, देखो फिर कैसा निकालने का, फॉर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो क्योंकि एक्स की वैल्यू अपन ने माइनस टू भी ले ली और उसका स्क्वायर भी किया तो पॉजिटिव आएंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, मतलब एक्स स्क्वायर जब भी स्क्वायर आएगा वो ग्रेटर देन जीरो ही आता है, मतलब क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद देखेंगे, देखो फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन सॉरी, फिर इसमें क्या करने का, प्लस टू ऐड करने का दोनों साइड में, फिर क्या आएंगे इधर क्या आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू और इधर आएंगे टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, फिर क्या करने का इसको, इसका रेसिप्रोकल एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर रेसिप्रोकल क्या लिया तो इसका क्या लेस देन आएगा, फिर वन अपॉन टू आएगा, मतलब क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू, फिर इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू बिलोंग्स इन लेस देन और इक्वल टू वन अपॉन टू, मतलब क्या आएगा ओपन ब्रैकेट लेस देन और इक्वल टू, मतलब माइनस इन्फिनिटी भी ले सकते और जीरो भी ले सकते, जीरो कॉमा वन बाय टू, समझे ये इसका आ गया एक्सप्रेशन। क्या किया अपन ने, पहले एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स स्क्वायर अगर लेस देन जीरो ला तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं रहेगा, इसके लिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहता है क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर अपन ने माइनस टू का भी स्क्वायर किया तो क्या आएगा फोर, मतलब ग्रेटर देन जीरो ही आता है, इसलिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिया पहली। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसमें टू एड किए दोनों साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, फिर उसको क्या किया, उसको डिवाइड में लिया, मतलब वन अपॉन में लिया क्योंकि ये एक्सप्रेशन अपना इसमें दिया था, फिर इसका डिवाइड में लिया तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, फिर ये ग्रेट इधर साइन था इसका तो इधर हो जाएगा, और फिर उसके बाद अपन ने लेस देन वैल्यू निकाली। हेलो।